और अब बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के साथ पर बोले, बीजेपी दूर दृष्टि वाली पार्टी है। 10 साल पहले ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई थी। शराब पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। आज बैठक है, 4 बजे सीएम से आग्रह किया जाएगा, जहां शराब की दुकानें दूर है वहां दुकान खोली जाए, जिससे अमानक शराब की बिक्री पर रोक लग सके। किसान आंदोलन पर बोले मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पहले से ही टुकड़े टुकड़े गैंग है। उस आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए पैसे मिले हैं। वास्तव में तांडव फिल्म जितना देख पाया उससे समझ आया कि प्रायोजित गैंग है। कांग्रेस और वामपंथियों ने कहा है कि वो मिलकर लड़ेंगे, दीदी के साथ नहीं रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही कह दिया था ये अलग थलग पड़ जाएंगी, अकेली रह जाएंगी। गाड़ी उसी दिशा में बढ़ रही है। हमारा नेतृत्व तो दूरदृष्टि वाले हैं। उन्होंने जब 10 साल पहले कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तब लोग हंसी उड़ा रहे थे, पर आप देखो ना उसी दिशा में जा रही है कि नहीं गाड़ी। ये भी कमोबेश वही दिशा है। आज बैठक है उस संबंध में 4:30 बजे। मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो दूरस्थ गांव पड़ते हैं और दुकान नहीं है वैधानिक, तो उस वहां दुकान नजदीक खोलने का नए सत्र में विचार करें, जिससे कि जो अमानक शराब आ जाती है, अवैध शराब आ जाती है, उस पर अंकुश लगे। जो डिग्री तय की हुई जरा शराब रहती है ठेकों पर, वो बिचेगी तो कम से कम ये अवैध पर प्रतिबंध भी लगे। सब चीजों का इलाज वही है कि हम दुकान की संख्या बढ़ाएं। मैं पहले से ही टुकड़े टुकड़े गैंग की कहता था कि इसमें उनका हाथ है। अब पहले से चूंकि मैं कहता था भारतीय जनता पार्टी का था, इसलिए लगता था कि हम पूर्वाग्रह से पीड़ित थे, और अब तो उसी आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा ले लिया। उसी आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि ये इसके अंदर जो लोग हैं वो धंधा कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये बिखरने के कगार पर है। वास्तव में वो जो तांडव फिल्म है ना, जितना मैं उसको देख पाया और जितना मैं समझ पाया, उसमें एक बात तो स्पष्ट आती है कि प्रायोजित तरीके से जानबूझकर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारेबाजी है ना, उसको वैलिड करने की कोशिश की गई है, ये समझाने की कोशिश की गई है। और उस गैंग का तो इतिहास ही भारत माता से लेकर हमारी भगवान तक, उन सब पे और बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। वो जो जीशान है, अयूब है, अली अब्बास जफर हैं, सैफ अली खान हैं, ये सब जो लोग हैं तथाकथित, इनकी आदत बनती जा रही है, और इसलिए हम विधि विभाग से इस बारे में परामर्श कर रहे हैं। और हम परामर्श करके देखते हैं कि इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, केस रजिस्टर्ड हो सकता है क्या, और वैधानिक कार्रवाई क्या हो सकती है। वो भारत के खिलाफ जो भी रहेगा उसके खिलाफ राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है, इसलिए चीन के खिलाफ दिख रहा है आपको, चीन के बारे में दिख रहा है उनका, ये उनकी सोच है, पर हमारी सोच तो राष्ट्रीयता की है, उसी को लेकर चलेंगे। वो कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस की सभ्यता है। इस तरह की उच्छंसकता, उद्दंडता करना उनका स्वभाव है। पर सब लोग ध्यान रहे कि यहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है और यहां कानून का राज है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून के खिलाफ जाएगा तो बक्सा नहीं जाएगा। देखिए, हमारी प्राथमिकता गरीब है, गांव है। यहां पर अगर माननीयों की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो जाके बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका पहले नंबर नहीं लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी तक ने पहली प्राथमिकता उनको दी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के नंबर नहीं आएंगे। मैं तो पहले ही गया था,